सिवनी के खापा बाजार गांव के जंगल में सागुन के सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। वन विकास निगम बरघाट परियोजना सिवनी अंतर्गत गोंडी हिनोतिया के जंगल में सागुन के पेड़ों की कटाई का यह सनसनीखेज मामला उस वक्त सामने आया जब वन विभाग के ही एक फॉरेस्ट गार्ड ने मीडिया के सामने अपने पेतक गाँव के जंगल के हालात बयां कर बरघाट प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप लगाए। दरअसल आरोप लगाने वाला अनिल भलावी नाम का ये फॉरेस्ट गार्ड सिवनी की खवासा रेंज में पदस्थ है और ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव खापा बाजार पहुंचा था, जहां ग्रामीणों की शिकायत के बाद गोंडी हिनोतिया के जंगल में उसने सागौन के सैकड़ों पेड़ों की इस अवैध कटाई को देखा। फॉरेस्ट गार्ड अनिल भलावी का कहना है कि करीब 2 से 3 हजार सागौन के पेड़ काटे गए हैं, जिसकी शिकायत उसने सीएम हेल्पलाइन में भी की है। बावजूद इसके अब तक इस पूरे मामले में बरघाट प्रोजेक्ट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पूरे मामले में वन विकास निगम बरघाट परियोजना सिवनी के अधिकारी जांच की बात कहकर दोषियों पर कार्यवाही करने की बजाय उन्हें बचाते नजर आए। सिवनी के जंगलों में सागुन के पेड़ों की अवैध कटाई किस तरह की जा रही है, इसका नजारा गोंडी हिनोतिया गांव के जंगल में देखने को मिल रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में सागुन के पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए हैं। मामले का खुलासा भी वन विभाग के ही एक फॉरेस्ट गार्ड ने किया है। दरअसल मामले का खुलासा करने वाला अनिल भलावी नाम का ये फॉरेस्ट गार्ड सिवनी की खवासा रेंज में पदस्थ है और ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव खापा बाजार पहुंचा था, जहां उसने मीडिया को जंगल के इस हालात से रूबरू करवाया। फॉरेस्ट गार्ड अनिल भलावी की माने तो करीब 2000 सागुन के पेड़ बीट के नाकेदार और अधिकारियों को मिली भगत से काट ले गए हैं। अनिल भलावी ने इस पूरे मामले को न सिर्फ बरघाट प्रोजेक्ट के अधिकारियों के संज्ञान में लाया, बल्कि मामले में कार्यवाही न किए जाने पर मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की है। बावजूद इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। वन विकास निगम बरघाट परियोजना सिवनी के अधिकारी अवैध कटाई के इस पूरे मामले को मान तो रहे हैं, लेकिन कार्यवाही किए जाने की बात पर जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें जो ये तो खैर गलत न्यूज है कि 2000 के करीब काटे गए। मौके पर मैं भी गया था और उसके जो जांच के आदेश दिए हैं, वो जो जांच प्राप्त हुई है उसमें 52 झाड़ सागुन के जो कि कृषक योग के काटे गए हैं, फुल क्रॉप के, बीट निरीक्षण के द्वारा मालूम पड़ा। इसमें जांच अधिकारी आप थे तो क्योंकि आप नहीं जांच अधिकारी अभी नियुक्त नहीं किया गया, अभी तो उसकी जांच प्राइमरी स्टेज पे चल रही है, अभी जांच अधिकारी डीएम साहब नियुक्त करते हैं। सर, यहाँ पर फॉरेस्ट में अवैध रूप से पेवर सागौन की कटाई की जा रही है और अवैध रूप से इन्हें सेल किया जा रहा है ना, तो इसमें कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच में हमारे गांव के कुछ सहयोगियों ने इसमें एक्शन लिया तो उन पर एक प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के रेंजर वो नाकेदार हैं जो कहीं और ड्यूटी करते हैं, उनको बताया गया कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनने मीडिया वालों को सूचना दिया। मैं भी यहीं रहने वाला हूँ खापा बाजार का, मैं भी ऐसी फास्ट ड्यूटी करता हूँ, वनरक्षक के पद पर हूँ, लेकिन मैंने 17 साल में ऐसी कभी अवैध कटाई नहीं देखी। 17 साल ड्यूटी हो गए मेरे को, लेकिन अवैध कटाई ऐसी नहीं देखी। जो अमीर चंद गोलनोतिया जो चौकीदार है और बीट प्रभारी गोलनोतिया, इनने इतनी कटवाए बरघाट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बीट गोलनोतिया में कि अति ज्यादा सीमा अभी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं कि ये ठूट देखो, ठूट खड़ा हुआ सागौन का, बिल्कुल ताजा ठूट खड़ा हुआ। अभी इतनी कटाई कम से कम 3000 पेड़ों की कटाई हुई सर, लगभग। फॉरेस्ट अधिकारी मैंने डीएम साहब से बात किया, डीएम साहब कुछ से बात हुई, डीएम साहब ने डिप्टी डायरेक्टर साहब को पहुंचाया परसों के दिन में, उनने क्या काम किए, उन्हें साहब मिली भगत उनकी, उन्होंने बोले कि कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दोनों को सस्पेंड कर देना, तत्काल मौके पर सस्पेंड कर देना, ऐसी देख करके मैं भी सस्पेंड हुआ इसी कार्रवाई में कई बार, लेकिन उनको तत्काल सस्पेंड कर देना, उन्होंने बहुत टाला मोटी कर रहे कार्रवाई के लिए, मैंने 181 में भी शिकायत रखी करके रखी है। कैनन न्यूज के लिए सिवनी से राजकुमार पांडे की रिपोर्ट।